हेलो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सवाल आपके पास है ये मैथ ओलंपियाड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और 80% स्टूडेंट इस सवाल को नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उसको हम आज हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है x की पावर y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y की पावर x। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू बी एक्स मान लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, और v एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है बच्चों, तो v का x में हमने क्या किया है, इंटू किया है, और ये वैल्यू हम y की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बच्चों x हमारा लिखा रहेगा, y की जगह हमारा बी एक्स लग जाएगा, और फिर इस y की जगह भी बी एक्स हो जाएगा, पावर में क्या है, x है। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा आपको समझना है। इसके लिए हमें थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए बच्चों। जैसे a टू द पावर mn लिखा है बच्चों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n, मतलब ब्रैकेट के बाहर हम इस पावर को ले सकते हैं और पावर का पावर में क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरह से लिखना है, ठीक है। एक्स की पावर हमें बी को अंदर लेना है और एक्स को बाहर करना है। यहाँ पे भी बच्चों हमें समझना होगा कि बी एक्स तो ठीक है, पावर में इसके अंदर कुछ है नहीं, तो पावर में जो जैसा ही है वैसे ही आपको लिखे रहने देना है, कुछ भी आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों दोनों की जो पावर है वो सेम हो चुकी है। ध्यान रखिए बच्चों, दोनों की पावर क्या है, सेम हो चुकी है। तो जब पावर सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी एक्स पावर है तो रूट एक्स, मतलब एक्स रूट ले लीजिए, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो ये वैल्यू, या हमें ऐसे समझ सकते हैं कि x की वैल्यू इधर जाके इसका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, पावर जो है रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरी तरफ जाके, या फिर हम इसको यहीं पे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काट दीजिए इसको, बचेगा क्या, x की पावर b इज इक्वल टू बचेगा बी एक्स। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो आपके x के टर्म्स अकेले होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं इस x को इसके नीचे ले आऊंगा, यानी बोथ साइड्स डिवाइडेड बाई x। तो हम बच्चों वी एक्स है तो यहाँ पे भी x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी x, तो x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर 1 है। और आपने एक रूल पढ़ रखा है बच्चों, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या लिख जाता है, a टू द पावर m माइनस n। यानी अगर डिवाइड में बच्चों बेस सेम है, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है पावर नीचे, तो ये 1 माइनस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, b। इतनी बात आपको समझ में आ गई है बच्चों। अब हमें वैल्यू तो x की निकालनी है बच्चों, तो जो भी चीजें होती है, जैसे मेरे पास लिखा है बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ, a टू द पावर m लिखा हुआ है, और राइट में आपका मान लीजिए x या b कुछ भी लिखा हो, ठीक है, मान लीजिए b लिखा हुआ है। तो मुझे अगर इस a की वैल्यू निकालना है तो मैं इस पावर को क्या करूंगा, यहाँ पे उल्टा लिख दूंगा, इस तरह से 1/m कर दूंगा। तो ये हमारा रूल होता है बच्चों, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही रूल लगाना है, तो ये जो x निकालना है तो इसकी पावर को इसमें क्या करना होगा, उल्टा लिखना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, इस तरह से, इस तरह से आपको लिखना होगा बच्चों। तो समझ में आ गया, 1/b-1 करके लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू आपको मिल गई है, x की वैल्यू आपको क्या है, मिल गई है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपने y को क्या माना है बच्चों, वी एक्स, क्या माना हुआ है, बी एक्स। तो हम इस x को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो लगाइए यहाँ पे y इज इक्वल टू v लिखेंगे, और x की जगह आपका क्या है, x की जगह है b टू द पावर ऑफ 1/v-1, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक रूल बन रहा है, कौन सा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। कहते हैं अगर बेस सेम हो इंटू में, अगर बेस सेम हो इंटू में तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं बच्चों, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तो बेस सेम है और पावर इसकी क्या है, 1 है, और बीच में लगा है इंटू, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी, मतलब 1/1/b-1, क्या लिखेंगे, 1/b-1। तो बच्चों एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, b-1, b की पावर जो है एलसीएम ले लेंगे b-1, तो यहाँ पे b-1 आएगा, और प्लस का 1 पहले से है बच्चों, ठीक है, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी b की पावर, ऊपर है b,
नीचे है बी माइनस वन। तो ये रहा आपका वाई और इसके बाद ये रहा आपका एक्स, ये वन बाई है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गया बच्चों, ये हमारे आंसर है।